हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी मेडिसिन है एसिटिक एसिड, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसिटिक एसिड या जिसे एसिड एसिटिक कहते हैं, सिरका के तेजाब या विनेगर से बनती है दवा। यह बहुमूत्र यानी पॉलीयूरिया और उदरी रोग में व्यवहार के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। पेशेंट को रक्तहीनता, चेहरा सफ़ेद हो जाना, ज्वर के सिवा और सभी रोगों में तेज प्यास रहना, ज्वर में पेशेंट को प्यास नहीं रहती है, स्टमक में अगर कैंसर हो जाए तो उसकी भी एक अच्छी दवा है एसिटिक एसिड। पेशेंट जल जाए, कीड़े का काटना, तिल या मस्सा, पाँव के अंदर घट्टे हो जाना आदि रोगों की भी यह बहुत बढ़िया दवा है। नस्तर लगवाने के बाद अगर शॉक लग जाए, यानी ऑपरेशन के बाद शॉक लग जाने की वजह से किसी भी बीमारी का पैदा होना, वहाँ पे एसिटिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। अगर दहल जाने या शॉक लगने के कारण अगर वोमिटिंग होने लगे, उल्टी होने लगे, वहाँ पे आर्निका का प्रयोग किया जाता है। अगर नर्व्स में चोट लग जाए और उसकी वजह से धनुष टंकार या जिसे टिटेनस कहते हैं होने पर हाइपेरिकम फायदा करती है। एक लक्षण है बहुमूत्र पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में इसके जो सिम्टम होते हैं, रोगी को तेज प्यास रहती है, शरीर का चमड़ा फीका रहता है और सूखा रहता है, शरीर में भयानक दाह रहती है, मतलब शरीर गर्म रहता बहुत ज़्यादा, रह रहकर पसीना होना, साफ पानी की तरह बहुत बार पेशाब का होना और उसके साथ ही पतले दस्त का आना, वोमिटिंग, सूजन इत्यादि लक्षण रहने पर और न रहने पर भी यह एसिटिक एसिड दवा फायदा करती है। इसको कुछ मेडिसिन से डॉक्टर एनसी घोष ने कंपेयर किया हुआ है, जिसमें पहली दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम को 2x 6x 30 पोटेंसी में यूज़ किया जा सकता है। विलायत के डॉक्टर ब्लैक ने पहले पहल इस दवा की परीक्षा की। चीनी मिला बहुमूत्र, अर्थात जिस रोगी के पेशाब में चीनी आती है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, दिन की अपेक्षा रात में पेशाब बहुत अधिक मात्रा में और बहुत बार होता, यह भी यूरेनियम नाइट्रिकम का सिम्टम है, उसे यह दवा रोज 2-3 मात्रा 7-8 दिन तक सेवन कराने पर विशेष लाभ दिखाई देता है। बहुत भूख, अधिक प्यास, रोगी का मजे में खाना पीना पर दिनों दिन दुबला होता चले जाना, पेट में वायु का इकट्ठा होना, पेट फूलना, इमेशिएशन एंड टिम्पेनाइटिस, ये कई इस दवा के आनुषंगिक लक्षण हैं। डॉक्टर ह्यूजेस का कथन है, जिस बहुमूत्र रोग का कारण डिस्पेप्सिया अर्थात मंदाग्नि है, उसमें यह फायदा करेगी ही। जख्म होना, पाकस्थली में जलन होना, शरीर में जलन, पाकस्थली और ड्यूओडेनम यानी स्टमक और ड्यूओडेनम में जख्म, अधिक प्यास, वमन, उल्टी, पेट में दर्द इत्यादि की भी यह एक महाऔषधि है। संपूर्ण ध्वजभंग होना, उसके साथ स्वप्न दोष का होना, लिंग शिथिल, ठंडा, पसीना मैं हो लिंग, वैसी कंडीशन में यह अच्छा काम करती है। गर्भावस्था में स्त्रियों को जब बहुत पेशाब होता है तो उसकी भी यह एक लाभदायक दवा है। यूरेनियम नाइट्रिकम धातु के साथ नाइट्रिक एसिड मिलाकर यह तैयार होती है। डॉक्टर एनसी घोष कहते हैं कि मुझे इसकी 2x पोटेंसी से अधिक लाभ दिखाई देता है, यानी 2x पोटेंसी अगर यूरेनियम नाइट्रिकम की यूज़ किया यानी लो पोटेंसी तो ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देता है।
दूसरी दवा जिसको कंपेयर किया हुआ है एसिटिक एसिड से वो है सिजीजियम जैम्बोलिनम। इसको मदर टिंचर और 2x पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। यह भी चीनी मिले बहुमूत्र की प्रधान दवा है। डॉक्टर बोरी का कथन है, नो द रेमेडी कॉजेस इट सो मार्क्ड डिग्री द डाइम्यूनेशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन। अर्थात पेशाब से चीनी का परिमाण घटाने या दूर करने वाली इसके जोड़ की प्रायः कोई दूसरी दवा नहीं दिखाई देती। तेज प्यास, कमजोरी, दुबलापन बहुत ज़्यादा मात्रा में और बार बार पेशाब होना, पेशाब का अपेक्षित गुरुत्व बढ़ जाना, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाना, बहुमूत्र के कारण शरीर में घाव होना जिसको डायबिटिक अल्सरेशन बोलते हैं आदि लक्षण भी इस औषधि के अंतर्गत हैं। पेशाब में चीनी का भाग अधिक हो और रोगी बहुत कमज़ोर होता जाए तो इसकी मूल अर्क मदर टिंचर 5-10-15 बूंद की मात्रा में नित्य प्रति 3-4 बार सेवन कम से कम 2-3 महीने तक कराना पड़ेगा तो इससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मदर टिंचर जामुन के बीज से तैयार होता है। तीसरी दवा है आर्सेनिक ब्रोमाइड। इसका मूल अर्क यानी मदर टिंचर के अलावा 2x की 2-3 बूंद मात्रा में पानी के साथ नित्य 1 बार सेवन करना चाहिए। यह एक प्रधान एंटीसोरिक और एंटीसाइकोटिक दवा है। साधारणतः चर्म रोग और गर्मी की बीमारी वाली धातु के रोगियों के अनिद्रा व बहुमूत्र की बीमारी में ही यह अधिक लाभदायक होता है। अगली दवा है अमोनियम एसेटिकम। यह ज़्यादा चीनी मिला पेशाब, उसके साथ ही अत्यंत पसीना आना, पसीना इतना अधिक हो आना कि मानो नहा लिया हो, वैसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस, रस एरोमेटिकम, क्रियोजोट, मस्कस, हेलोनियास आदि भी बहुमूत्र की कई दवाएं हैं। तो दोस्तों ये रहा कंपैरिजन। इस पुस्तक की सबसे खास बात क्या है, इसका नाम ही है कंपेरेटिव मटेरिया मेडिकल, यानी इस पुस्तक में आपको कंपैरिजन्स बीच बीच में मिलते चले जाएंगे। दोस्तों तो ये कंपैरिजन रहा बहुमूत्र के साथ साथ डायबिटीज मेलाइटिस के केस में। अगला इसका सिम्टम है जो इसके अंदर पाया जाता है वह है शोथ और उदरी। इसके सिम्टम है सारे शरीर में शोथ या उदरी के साथ पतले दस्त का आना, वमन होना यानी उल्टी होना जो कि सिर्फ एसिटिक एसिड में ही है, मतलब पूरे शरीर में शोथ हो या उसके साथ में उदरी हो जिसको पेट फूल जाता है और उसके साथ में अगर पतला दस्त हो तो यह सिर्फ एसिटिक एसिड में ही पाया जाता है, दूसरी कोई दवा नहीं है। एपिस के शोथ या सूजन में रोगी को थोड़ी मात्रा में पेशाब होता है, उस पेशाब में अंडलाल मिला रहता है जिसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं और वह गंदला रहता है, गंदा रहता है। दूसरी दवा है लियाट्रिस, जिसमें अधिकांश शोथ रोग में लाभदायक है। एसिटिक एसिड में बहुत ज़्यादा परिमाण में पेशाब होने के साथ साथ कमर में दर्द रहता है, यह दर्द पट सोने पर घटता है यानी पेट के बल सोने पर घट जाता है। अतिसार यानी डायरिया के साथ पैर और पैर के तलवे में सूजन आदि में एसिटिक लाभदायक है। पाकस्थली और उदर, पाकस्थली यानी स्टमक, उदर यानी एब्डोमेन, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। पेट फूलना, पेट में शूल का दर्द होना और जलन होना, पाकस्थली और कलेजे में अत्यधिक जलन होना, शरीर ठंडा और कपाल में ठंडा पसीना रहना। अगला सिम्टम है रक्तहीनता, पतले दस्त, रात के समय पसीना आना, खांसी वगैरह कई बीमारियों में और प्रसूता की रक्तहीनता यानी जो लेडीज़ बच्चे को जन्म देने जा रही है उसको अगर रक्तहीनता की कंडीशन हो, एस एनीमिया की कंडीशन हो तो उसमें यह बहुत लाभदायक है। अगला सिम्टम है रक्तस्राव। विनीगर में कपड़े का टुकड़ा या रुई तर करके उसे दबा रखने से प्रायः सब तरह का रक्तस्राव बंद हो जाता है। यह नाक, फेफड़ा, पाकस्थली यानी स्टमक, आंत, जरायु यानी
यूट्रस आदि सभी प्रकार के द्वारों से होने वाले रक्तस्राव की महौषधि है, महाऔषधि है। ऋतु के समय और प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव में भी लाभ पहुंचाती है। यदि शरीर की किसी एक जगह से होने वाला रक्तस्राव बंद होकर दूसरी जगह से होने लगे या गिर जाने के कारण अथवा चोट लगकर नाक से रक्तस्राव हो तो भी इससे फायदा होता है। इसके अलावा फिटकरी की बुकनी या उसके जल से भी रक्त बंद होता है, यानी फिटकरी लगाने से भी रक्त बंद होता है। इसको हम लोग यूज़ करते ही हैं डेली यूज में। अगला सिम्टम है ज्वर यानी फीवर, धीमा बुखार होना, उसके साथ रात में पसीना आना, ये इसका लक्षण है। और ये इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सल्फर के साथ में। हेक्टिक ज्वर होना है, जिसको क्षय ज्वर बोलते हैं, जो टीबी के पेशेंट को अक्सर होता है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है। उसके साथ ही अतिसार होना, रात में पसीना, श्वास में तकलीफ होना, शरीर का धीरे धीरे सूखते चले जाना, निम्नांगों का शोथ या सूजन यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो नीचे पैर हैं उसके अंदर शोथ हो, सूजन हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा पसीना आना, इस सिम्टम पे इसको कंपेयर कर सकते हैं चाइना के साथ में। ज्वर के साथ रोगी को प्यास बिल्कुल ही नहीं रहती है, यह खास सिम्टम है एसिटिक एसिड का। इसका संबंध इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एसिटिक एसिड प्रायः सभी तरह की बेहोश करने वाली दवाओं, क्लोरोफॉर्म आदि के सूंघने के दोष का प्रतिविष है, यानी इस तरह के जो भी दवाएं हैं उनका जो बुरा प्रभाव होता है उसको दूर करने में काम आती है। रक्तस्राव में चाइना के बाद और शोथ में यानी सूजन में डिजिटेलिस के बाद इसका प्रयोग करने से ज़्यादा फायदा होता है। जीर्ण शीर्ण ढीली पेशी वाले रक्तहीन फीके रोगी पर इसकी अधिक क्रिया होती है। स्टीम ऑटोमाइजर नामक यंत्र में या किसी दूसरे प्रकार के साइडर विनेगर में, यह भी एक तरह का एसिटिक एसिड है, भाप बनाकर उस भाप की नाक मुंह की राह से ग्रहण करने से बहुत कठिन प्रकार के क्रूप यानी काली खांसी और डिप्थीरिया रोग भी घट जाते हैं। श्वास रोग में गले में गड़गड़ाहट होती है और आवाज़ होती है। इसकी क्रिया को रोकने वाली जो दवाएं हैं वो हैं बोरेक्स, कास्टिकम, नक्स, रेनानकुलस बल्बोसस और सारसा पेरिल्ला। इसकी विष क्रिया नाशक हैं यानी इसके बैड इफेक्ट्स को दूर करने वाली इकोनाइट, नेट्रम, म्यूर, नक्स, सीपिया, टबैकम और चूना। यह दवा 14 से 20 दिन तक काम करती है शरीर में। इसको छठी से लेकर के 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी तक यूज़ की जाती है। काली खांसी के अलावा अन्य समस्त रोगों में बार बार प्रयोग करना मना है। काली खांसी में इसका बार बार प्रयोग किया सकता है। इसके अलावा अन्य जितने भी रोग हैं उसमें इसका बार बार प्रयोग करना डॉक्टर एनसी घोष कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज एसिटिक एसिड के बारे में। पुस्तक है डॉक्टर एनसी घोष की कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका से। तो दोस्तों आज की जानकारी में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।